क्या करते हैं कि आप लोग ऐसे स्टूडेंट्स ऐसे झंडा बनाते हैं, क्या बनाते हैं, और इसके अंदर आप लोग क्या यूज करते हैं, आटा रस्सी गोंद चिपका के अपने स्कूल क्लास के अंदर डेकोरेशन करते हैं, करते ना, तो आप लोग काफी हाथ गंदा हो जाता है, वेस्ट हो जाता है स्टूडेंट। ना तो आप लोग इस साल को डिफरेंट या नया मॉडल बनाएंगे, ना तो इसके अंदर आप लोग को आटा लगाना है, ना रस्सी ना गोंद चिपका के स्कूल के अंदर नहीं लगाना है, बल्कि कुछ नया को डिफरेंट बनाना है। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये जो मैंने पेपर लिया है कौन सा कलर का, इसके अंदर को ड्राइंग को चित्र बना हुआ है, ये जो मैंने पेपर लिया है कौन सा कलर का, इसमें कोई ड्राइंग को चित्र बना है क्या, नहीं। दोनों साइड से देखेंगे कोई ड्राइंग है क्या, नहीं। तो आप लोग इसके अंदर को ड्राइंग को चित्र नहीं बनाएंगे, बल्कि इसी पेपर को आप लोग बल्कि 5 बार फोल्ड करेंगे, कितनी बार फोल्ड करोगे, ये देखिए स्टूडेंट, ऐसे सेम टू सेम इन्हें बराबर आप लोग को फोल्ड करना है। तो अभी आप लोग के सामने कितना हो गया, एक, कितना हुआ, एक। और एक के बाद दो, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, दो के बाद तीन, और तीन के बाद चार, इन्हें सेम टू सेम बराबर फोल्ड करना है, और पांचवा फोल्ड ऐसे नहीं मोड़ना है, इन्हें सेम टू सेम 5 बार मोड़ना है ऐसे। तो बताएगी स्टूडेंट, ऐसे 5 बार फोल्ड करने में कोई प्रॉब्लम, सिंपल है ना, ऐसे 5 बार फोल्ड करने के बाद स्टूडेंट घर में काटने के लिए क्या होता है, कैंची, कैंची या ब्लेड से आप लोग नीचे की ओर से एक छोटा सा इंग्लिश का एल कट लगाएंगे, कौन सा कट लगाएंगे, ये देखिए स्टूडेंट, नीचे की ओर से एक छोटा सा इंग्लिश का आप लोग को एल कट लगाना है, कौन सा कट लगाना है, और सीधा कट इन्हें यहाँ से लगा देगी स्टूडेंट ऐसे ऐसे। तो बताएगी स्टूडेंट, ऐसे कट आप लोग लगा सकते ना, ऐसे कट लगाने के बाद स्टूडेंट ऊपर से आप लोग लगाएंगे राउंड कट, कौन सा कट लगाएंगे, राउंड यानी के गोल कट, कौन सा कट, ऐसे राउंड शेप गोल कट आप लोग को लगाना है, ये देखिए स्टूडेंट, ऐसे राउंड शेप गोल कट आप लोग को लगाना है, सीधा कट इन्हीं यहाँ से लगा देगी स्टूडेंट ऐसे, और बीच में लगाना है दो कट, कितने कट, एक और ये दो, और छोटा कट स्टूडेंट इन्हीं यहाँ से लगा देगी आप लोग। तो स्टूडेंट ये मॉडल आप लोगों के सामने बनेगा, जिस मॉडल का नाम होता है डॉल यानी गुड़िया, क्या नाम होता है स्टूडेंट, डॉल गुड़िया का भी हाफ मॉडल है, कौन सा मॉडल है, आप लोग उसको ऐसे करोगे तो डॉल गुड़िया क्या कर रही है, नमस्कार, क्या कर रही है, आप भी नमस्कार करो। तो स्टूडेंट ऐसे ओपन करेंगे तो आप लोग के सामने डॉल गुड़िया आप लोग के सामने ये कम्प्लीट, ये देखिए स्टूडेंट, ये देखिए, और भी इसे आप लोग ओपन करेंगे तो आप लोग के सामने 16 गुड़िया आप लोग के सामने डांस करती हुई दिखाई देगी, ये देखिए, तो आप लोग के सामने स्टूडेंट 16 गुड़िया आप लोग के सामने डांस करती हुई दिखाई देगी। तो आप लोग ऐसे बना बना के अपने स्कूल या अपने क्लास जो भी त्योहार आता है तो आप लोग ऐसे बना बना के अपने स्कूल क्लास में आप लोग डेकोरेशन कर सकते है, अच्छा है ना, ये हमारा फर्स्ट मॉडल है भाई, भी स्टूडेंट पेपर के अंदर, स्टूडेंट पेपर के अंदर आप लोग को बल्कि कोई ड्राइंग को चित्र नहीं बनाना है, बल्कि पेपर को धीरे से एक छोटा सा रोल बनाना है, तो बोल रहे हैं स्टूडेंट पेपर को धीरे से एक छोटा सा आप लोग को रोल बनाना है, क्या बनाना है, तो बताएगी स्टूडेंट रोल बनाना सिंपल है कि हार्ड है, ए बाजार रूल को रोल नहीं है, ए खाद्य विभाग का नंबर है स्टूडेंट, ऐसे रोल बनाने के बाद और भी आप लोग को दूसरा कलर का पेपर लेना है, कौन सा कलर का पेपर लेना है, व्हाइट कलर, तो व्हाइट कलर को हम लोग कहां से लगाएंगे, बाहर से कि अंदर से, अंदर से लगाएंगे, कहां से लगाओगे, अंदर से। तो स्टूडेंट जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ सिखा रहा हूँ समझ में आ रहा है, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, तो अभी फिलहाल कितना पेपर यूज किया मैंने, दो, और दो के बाद तीन, इसे भी कहाँ से लगाएंगे हम लोग, अंदर से। स्टूडेंट तीन पेपर की जगह आप लोग अपनी मर्जी कितना भी पेपर आप लोग यूज कर सकते हैं, जैसे 10, 15, 20 पेपर आप लोग लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे तीन पेपर लगाने के बाद स्टूडेंट
कैंची से हम लोग इसके अंदर लगाएंगे दो कट, कितने कट लगाएंगे? ये देखिए स्टूडेंट, बल्कि हम लोग पूरा नहीं काटेंगे, आधा से ज्यादा, कितना काटेंगे? आधा से ज्यादा, यानी 75% कट। ये देखिए एक और ये दो, ऐसे दो कट आप लोग को लगाना है। तो बताएगी स्टूडेंट, ऐसे दो कट लगाने में कोई प्रॉब्लम? ऐसे दो कट लगाने के बाद जो दोनों जो पाइप के हिस्से है उसे आप लोग ऐसे मोड़ देंगे, क्या करोगे? बीच में हॉल दिख रहा है, इसे हम लोग कैंची से काटेंगे स्टूडेंट, बिल्कुल सीधा कट, क्या करोगे? सीधा कट। सीधा कट काटने के बाद स्टूडेंट और भी हम लोग सारे पेपर को और भी हम लोग इस तरीके से ऐसे और भी मोड़ देंगे, क्या करोगे? और भी मोड़ देंगे। तो सारे स्टूडेंट मेरे को मिलके बताएंगे एक छोटा सा इंग्लिश का कैपिटल अक्षर कौन सा है, अच्छा है कि खराब है? अच्छा है। तो आप लोग उसको क्या करोगे, अपने स्कूल या अपने क्लास में जो भी घर में डेकोरेशन होता है तो आप लोग ऐसे बना बना के अपने स्कूल क्लास में डेकोरेशन कर सकते हैं। इससे भी अच्छा सुंदर मॉडल बनाना चाहते हैं, पेपर का जो नीचे का हिस्सा है उसे धीरे पकड़ेंगे, क्या करोगे? एक सिंगल पेपर को ऊपर से खींचेंगे तो आप लोग के सामने एक पहला डिजाइन, और भी ओपन करेंगे तो आप लोग के सामने ये डिजाइन बनेगा। इस डिजाइन का नाम होता है टी से क्रिसमस ट्री, क्या नाम होता है? फिलहाल भैया ने अभी तीन पेपर लगाया, कितना पेपर लगाया? और भी पेपर लगा सकते हैं, इसकी लंबाई और भी बढ़ा सकते हैं। तो आप लोग ऐसे बना बना के अपने स्कूल क्लास दीवार बोर्ड पे आप लोग ऐसे लगा सकते हैं, अच्छा है ना? अच्छा। ये दूसरा मॉडल है, एक स्टूडेंट कोई भी आ जाओ, एक कोई भी एक आ जाओ, कोई भी एक आ जाओ, इधर आ जाओ, कोई भी एक आ जाओ स्टूडेंट्स। इसके अंदर मैंने ऑलरेडी रोल बना चुका हूँ और इसके अंदर मैंने पेपर लगाया है 10, कितना पेपर लगाया है? 10। और जब भी आप लोग डिजाइन बनाओगे तो रोल बनाएंगे सेम, रोल बनाएंगे सेम, और इसके अंदर हम लोग काटेंगे आधा, कितना काटेंगे? आधा से ज्यादा, ऐसे सेम टू सेम, ऐसे आधा से ज्यादा आप लोग को कट लगाना है, बल्कि पूरा नहीं उड़ाना है। ऐसे आधा से ज्यादा कट लगाने के बाद दोनों पाइप के हिस्से है उसे हम लोग ऐसे मोड़ देंगे, क्या करोगे? मोड़ देंगे। तो बीच में आप लोगों को हॉल दिख रहा है, इसे हम लोग कट से कट लगाएंगे, क्या करोगे? इसके अंदर हम लोग कट से कट लगाएंगे। देखिए स्टूडेंट, एक दो तीन चार पांच छह, सेम टू सेम इन्हें यहां से लगाना है, छह बार का है। देखिए एक दो तीन चार पांच और ये छह। स्टूडेंट आप लोग को बाजार मार्केट जाने की कोई जरूरत नहीं, आप लोग कोई भी पेपर अपने घर में यूज कर सकते हैं। ये स्टूडेंट सारे पेपर को हम लोग ऐसे डाउन करेंगे, क्या करोगे? डाउन करेंगे, नीचे से ऐसे दबा देंगे, ऐसे सारे पेपर को हम लोग ऐसे दबा देंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये मॉडल आप लोग के सामने बनेगा, जिस मॉडल का नाम होता है सुंदरमाला, क्या नाम होता है? ये देखिए स्टूडेंट, जैसे अपना सरस्वती पूजा है, दुर्गा पूजा है, आप लोग उसी से ऐसे बना के डेकोरेशन कर सकते हैं। एक पीछे दो धीरे आगे जाओ, धीरे आगे जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ, जाते रहो, जाते रहो, जाते रहो, जाते रहो, जाते रहो। अच्छा है ना? ऐसे आप लोग बना के अपने स्कूल या अपने क्लास में घर में डेकोरेशन कर सकते हैं। तो फिलहाल स्टूडेंट मेरे पास में इसके सीखने के लिए मॉडल होते हैं 25 मॉडल, कितने मॉडल? 25। क्योंकि स्टूडेंट आप लोग को छुट्टी करना है और आप लोग को भी घर जाना है, मैं आप लोग को लास्ट मॉडल बताऊंगा, उसके बाद में आपको सीखने के लिए एक छोटा सा किताब दूंगा, उस किताब के अंदर आप लोग बहुत सारे डिजाइन आप लोग बना सकते हैं। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये लास्ट आइटम है आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा है और बहुत ही यूजफुल है। स्टूडेंट पेपर के अंदर ड्राइंग नहीं बनाना है, बल्कि पेपर को धीरे से एक छोटा सा रोल बनाना है, क्या बनाना है? एक धीरे धीरे गोल गोल आप लोग ऐसे रोल बनाएंगे, रोल को ज्यादा टाइट नहीं, ओनली फॉर लूज मीडियम साइज। तो सारे स्टूडेंट मेरे को मिलकर बताएंगे कि कला सीखना अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है। कला आपके जीवन में कभी काम आ सकती कि नहीं? ये जो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? और भी हम लोग पेपर लेंगे तो पेपर को कहाँ से लगाएंगे? अंदर से लगाएंगे। कहाँ से लगाओगे? अंदर। तो कितना कलर का पेपर हो गया? दो कलर है।
ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, ये लास्ट आइटम आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही यूजफुल है, किसी को भी प्रेजेंट आप लोग गिफ्ट कर सकते हैं। और लास्ट कलर हम लोग कौन सा लेंगे? ग्रीन। इसे भी कहाँ से लगाएंगे? अंदर से। अंदर नहीं, अंदर। तो कितना कलर का पेपर हो गया? तीन। चाहे तो कितना भी पेपर आप लोग लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे तीन पेपर लगाने के बाद स्टूडेंट कैंची से हम लोग इसके अंदर काटेंगे आधा। कितना काटेंगे? आधा। यानी कि एक छोटा और एक बड़ा, आधा से ज्यादा। गलती से पूरा नहीं उड़ाएंगे, आधा से ज्यादा। और इसी के पास में एक छोटा सा मिडिल काटेंगे हम लोग, क्रॉस कट। कैसे काटोगे? कटे वाले हिस्से को हम लोग ऐसे हटा देंगे, पाइप का जो बड़ा हिस्सा है उसे हम लोग ऐसे मोड़ देंगे। क्या करोगे? बीच में आप लोग को हॉल दिख रहा है, इसे हम लोग कैंची से काटेंगे बिल्कुल सीधा कट। क्या करोगे? सीधा कट। सीधा कट काटने के बाद स्टूडेंट और भी हम लोग सारे पेपर को हम लोग ऐसे डिवाइड करेंगे अलग अलग। क्या करोगे? अलग अलग। स्टूडेंट नीचे का कौन सा कलर का पेपर है? ग्रीन कलर। जो ग्रीन कलर के जो पेपर है उसे हम लोग काटेंगे लिप कट। कैसे काटोगे? लिप कट, जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं पान पत्ती। क्या बोलते हैं? पान पत्ती। और आपके लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? पान। एक लिप शेप इसके अंदर आप लोग इसके अंदर ऐसे छोटा सा कट लगाएंगे स्टूडेंट। और ऊपर के जो पेपर है उसे हम लोग काटेंगे राउंड कट। कौन सा काटेंगे? राउंड यानी के गोल कट। ऐसे राउंड शेप गोल कट लगाने के बाद स्टूडेंट आप लोग के पास में फर्स्ट में लिखने के लिए क्या है? पेन। पेन या पेंसिल से आप लोग को लिखना नहीं है, बल्कि पेन या पेंसिल से सारे पेपर को ऐसे मोड़ देना है। क्या कर देना है? और ऐसे सारे पेपर को ऐसे स्ट्रेच कर देंगे, दबा देंगे। ऐसे दबाने के बाद स्टूडेंट्स बीच में आप लोग लगाएंगे दो कट। कितने कट लगाएंगे? एक और ये दो। तो सारे स्टूडेंट मेरे को मिलके बताएंगे कि भैया ने आप लोगों के सामने इसके अंदर कितना पेपर यूज किया? तीन। तो आप लोगों के सामने तीन पेपर का मॉडल कितना बनेगा? तीन। कितना मॉडल बनेगा? तीन। स्टूडेंट पेपर का जो ऊपर का हिस्सा है उसे धीरे से ऐसे ओपन करेंगे तो आप लोगों के सामने एक पहला मॉडल। तो ये पहला मॉडल अच्छा है कि खराब है? अच्छा है। तो इसे भी आप लोग अपने घर में पूजा में आप लोग लगा सकते हैं। इसे भी दूसरा डिफरेंट मॉडल बनाना चाहते हैं, पेपर का जो ऊपर का हिस्सा है उसे धीरे पकड़ेंगे, नीचे दबाएंगे और उल्टा हाथों से गोल गोल आप लोग ऐसे घुमाते जाओगे तो आप लोग के सामने स्टूडेंट एक दूसरा मॉडल तैयार। ये देखिए स्टूडेंट, आप लोग के सामने स्टूडेंट एक दूसरा मॉडल तैयार। ये देखिए आप लोग के सामने स्टूडेंट एक दूसरा मॉडल तैयार। प्लीज स्टूडेंट्स, हम आप जैसे स्टूडेंट ने हमारे को राजस्थान के स्टूडेंट्स ने इस मॉडल का नाम रखा है दिल्ली का कुतुब मीनार। क्या नाम रखा है? दिल्ली का कुतुब मीनार। क्या नाम? दिल्ली का कुतुब मीनार। दिल्ली का कुतुब मीनार नहीं, कुतुब मीनार। स्टूडेंट पेपर का जो ऊपर का हिस्सा है उसे काट देंगे और तीसरा मॉडल बनाना चाहते हैं, किसी को प्रेजेंट आप लोग गिफ्ट करना चाहते हैं तो ऐसे नहीं करेंगे, एक उंगली का सहारा लेंगे ऊपर रखेंगे, धीरे धीरे से दबाते जाओगे तो आप लोग के सामने एक बहुत ही अच्छा और बहुत सुंदर एक फ्लावर कम्प्लीट। देखिए आप लोग के सामने स्टूडेंट एक छोटा सा फ्लावर्स कम्प्लीट, अच्छा है ना। तो आप लोग ऐसे बना बना के अपने स्कूल या अपने क्लास, दुर्गा पूजा भी आ रहा है, दीपावली आ रहा है, तो आप लोग ऐसे बना बना के अपने स्कूल क्लास के अंदर डेकोरेशन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट फिलहाल स्टूडेंट प्रिंसिपल सर तो कल आएंगे, फिलहाल अपने जो इंचार्ज सर है उन्होंने हमें 10-15 मिनट का समय दिया है। सर के लिए मैं को राजस्थान से को बड़ा गिफ्ट या बड़ा तोहफा लेके नहीं आया हूँ, एक छोटा सा गिफ्ट मैं सर को दूंगा। सारे स्टूडेंट मिलकर जोरदार से क्लैपिंग करेंगे। आप देखेंगे स्टूडेंट मेरे पास में इसके सीखने के लिए एक छोटा सा ये कुछ किताब होता है, जिस किताब के अंदर चार लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश, आसामीज और बंगाली, और इसके अंदर कैंची का भी डायरेक्शन है, जैसे कैसे बनाना है, कैसे काटना है, ऑली फॉर पेपर। जैसे दूसरा मॉडल है जिससे पेपर से आप लोग बना सकते हैं, जैसे कैसे काटना है, कैसे बनाना है, इसके अंदर बहुत सारे डिजाइन आप लोग डिफरेंट डिफरेंट मॉडल आप लोग अपने घर में बना सकते हैं। और एक छोटा सा किताब है जिस किताब का नाम होता है ड्राइंग बुक। क्या नाम होता है? तो फिलहाल स्टूडेंट अभी आप लोग के सामने अभी कोई दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, एक पेंसिल लेना है छोटा, इसके ऊपर ऐसे रखोगे तो ड्राइंग ऑटोमेटिक बाहर आएगा। ड्राइंग का नाम है मोटू पतलू। क्या नाम है? ये देखिए स्टूडेंट्स अभी फिलहाल नाम है और उनके साथ में आप लोगों के साथ में ड्राइंग बाहर आएगा। ये देखिए स्टूडेंट्स
ऐसे स्ट्रेच करोगे तो ड्राइंग आप लोगों के सामने ऑटोमेटिक बाहर आएगा। ये देखिए स्टूडेंट, ये देखिए स्टूडेंट, ऐसे स्ट्रेच करोगे तो ड्राइंग आप लोगों के सामने ऑटोमेटिक ये बाहर आएगा स्टूडेंट। स्टूडेंट इसके अंदर 16 ड्राइंग है, जैसे कि स्टूडेंट बहुत सारे ड्राइंग है, ऐसे स्ट्रेच करोगे तो ऑटोमेटिक ड्राइंग बाहर आएगा। तो फिलहाल स्टूडेंट भैया ने आप लोग जो दिखाया सिखाया ये आप लोग को अच्छा लगा कि खराब लगा? किस किस को अच्छा लगा? धन्यवाद। ये कला आप लोग सीखना चाहते हैं कि भूलना चाहते हैं? तो सीखने के लिए बताएंगे आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? बल्कि स्टूडेंट सीखने के लिए हमारे जो राजस्थान चले जाएंगे सीखने के लिए। आप लोग के घर के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, होती कि नहीं? बताएंगे स्टूडेंट सीखने के लिए घर में पेन पेंसिल होता है, कैंची होता है, पेपर होता है। स्टूडेंट ये सब सामान आप लोग के घर में होता है, होता कि नहीं? स्टूडेंट मेरे पास में इसके बनाने के लिए और इसके सीखने के लिए ये दोनों किताबें होती है। अगर ये दोनों किताब आप लोगों को इंटरेस्ट है, शौक है, लेना चाहते हैं तो ये दोनों किताब आप लोग ले सकते हैं। ये दोनों किताब आप लोग दुकान या बाजार या मार्केट में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दोनों किताब आप लोग हमारे राजस्थान जयपुर ट्रेनिंग सेंटर से वहां से मंगाने से इस दोनों किताब का प्राइस होता है 65 रुपीज। कितना होता है? 65। स्टूडेंट ये दोनों किताब आप लोगों को 65 रुपीज में नहीं मिलेगा। अगर जिसको भी इंटरेस्टेड है, शौक लेना चाहते हैं, अपने स्कूल से, अपने सर से, अपने मैडम से या अपने स्टूडेंट से, ये दोनों किताब आप लोगों को मिलेगा केवल 40 रुपीज में। कितना मिलेगा? बल्कि स्टूडेंट आप लोग सोच रहे हैं कि भैया आप लोग राजस्थान से आए, आपके बैग में ये दोनों किताब बहुत सारा होगा। स्टूडेंट हमारे पास बहुत सारा किताब नहीं होता है, केवल हमें थोड़ा बहुत मिलता है, हमें इससे आना जाना होता है। वैसे आप भी स्टूडेंट्स हो, वैसे हम भी स्टूडेंट्स है। मेरा दिखाना सिखाना केवल फ्री है। हमें आपके स्कूल से हमें क्या मिलता है कि ऐसा एक लेटर मिलता है और इसी लेटर से हमें राजस्थान के अंदर ट्रेनिंग मिलता है। और हमारे कुछ मैडम है, सर है, टीचर्स है, थोड़ा बहुत हमें ये किताब देते है। इस किताब से हमारा क्या होता है, जैसे बस का किराया, रूम का किराया, खाना, ऑल स्कूल घूमना, ऑल स्टेट घूमना, इस किताब में होता है। अगर ये दोनों किताब आप लोग इंटरेस्टेड है, शौक है, लेना चाहते हैं तो ये दोनों किताब आप लोग ले सकते हैं। जिसके पास पैसे है वो ले सकते हैं, पैसे नहीं है तो सर मैडम से आप लोग हेल्प करके ले सकते हैं। या तो फिर स्टूडेंट आज तो किसी के पास पैसे नहीं है, आज किसी के पास पैसे है क्या? आप लोग लेना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है तो भैया हम लोग कल आएंगे, सर ने हमें कल भी बुलाया है। तो आप लोग को चाहिए तो ये दोनों किताब आप लोग 40 रुपीज में कल आप लोग ले सकते हैं। तो आप लोग कल कौन कौन लेना चाहते हैं हाथ खड़े करके बताएंगे? कितने स्टूडेंट्स है सर? कितनी होगा आप ये बता नहीं सकते हैं, क्लास 2 से ना सर? करना पड़ेगा, 2 से ना सर? स्टूडेंट्स क्योंकि दोनों जो किताबें आप लोग के लिए वेस्ट नहीं है, आप लोग अपने घर में एनी टाइम यूज कर सकते हैं। दोनों किताब मिलेगा, ड्राइंग बुक और कटिंग बुक। जैसे इस पेपर के अलावा ऐसे न्यूज़पेपर भी यूज कर सकते हैं, न्यूज़पेपर का भी बहुत सारे डिजाइन आप लोग बना सकते हैं। जिसको भी चाहिए तो भाई हम लोग कल आएंगे ना मैं। तो स्टूडेंट इन्हीं के साथ में मेरा जो कार्यक्रम डेमोस्ट्रेशन समाप्त होता है। सारे स्टूडेंट्स को धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू मैडम।